शिक्षा नीति की अमल होने के बाद विशेष करके मोदी सरकार के ऊपर मैंने अगर तथ्य आपके सामने रखूं, उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में दोनों में छात्रों की उपस्थिति की संख्या लगभग 25-26% बढ़ी है। उच्च शिक्षा में पिछले 13-14 की तुलना में 14-15 की तुलना में 21-22 की तुलना करें तो 26.5% विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। यह प्रमाणित करता है कि देश की विद्यार्थी पढ़ने में इन दिनों में रुचि बढ़ाई है। केवल विद्यार्थी नहीं, अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है और उनमें से महिलाओं में SC महिला स्टूडेंट में 50% ग्रोथ हुई है चेयरमैन साहब, और ST में तो बढ़ोतरी 65% तक हुई है, 65% तक, और उसमें लड़कियों की, अध्यक्ष महोदय, 14-15 में मोदी जी आने के पहले जितना लड़की ST कम्युनिटी से पढ़ते हैं उनमें से 80% ग्रोथ हुई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फॉलोआउट है। OBC में बढ़ोतरी हुई है, माइनॉरिटी में बढ़ोतरी हुई है, विशेष करके मुस्लिम माइनॉरिटी में लगभग महिलाओं में 45% बढ़ोतरी हुई है। यह प्रमाणित करती है इन दिनों में हमारी अच्छे नीतियों के कारण, प्रोत्साहन के कारण, स्टार्टअप दुनिया के कारण, उद्यमिता के कारण बच्चों की पढ़ने की रुचि बढ़ी है। मैं माननीय सदस्यों कहता हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022-20 एक युगांतकारी, एक फिलोसॉफिकल दस्तावेज है। उसके कारण देश एक नई ऊंचाई को जाएगा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में बड़ा कारगर साबित होगा। श्री भुवनेश्वर कालिटा, सेकंड सप्लीमेंट्री। थैंक यू सर। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनकरेजेस द मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स इन द कंट्री। व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द मिनिस्ट्री टू इंप्लीमेंट दिस पैराग्राफ ऑफ द पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, हम मानते हैं भारत की आत्मा अपनी भाषाओं में बसता है और मोदी सरकार की यह फैसला है, NEP की यह परामर्श है, सभी मातृभाषा, सभी स्थानीय भाषाओं के अंदर पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए आज स्कूली शिक्षा में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोर्ड है CBSE सर्कुलर निकाला है, भारत की जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है उस शेड्यूल लैंग्वेज में टीचिंग लर्निंग मटेरियल बने, बहुत सारे आदिवासी समाज में बोलने वाले भाषाओं की प्राइमर बन रही है, बहुत सारे पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में आज इंजीनियरिंग कॉलेज की AICT के द्वारा पूरा 4 साल के कोर्स अनेक भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मेडिकल साइंस की एजुकेशन, लॉ की एजुकेशन हिंदी भाषा में होना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा मराठी भाषा में पढ़ाने की पुणे में व्यवस्था करके इसी साल विद्यार्थी भी समाज में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषा को बढ़ाने के लिए काशी तमिल संगमम की पहला साल पिछले बार आयोजन किया गया उनके मार्गदर्शन से, इस बार दूसरी बार भी हुई है। चेयरमैन साहब, अभी प्रधानमंत्री जी के एक ऐतिहासिक बयान है, भारत की सभी भाषा, वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयाली हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, अहमिया हो, सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ऑल लैंग्वेज आर नेशनल लैंग्वेज, ये इस सरकार की एक सैद्धांतिक परिवर्तन है। ऑनरेबल मेंबर्स, आई एम ग्रेटली टच्ड बाय योर जेस्चर। आई डू नॉट रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल, I am custodian of an institution. I am accountable to it. Any affront to the institution, the position that I hold, I have to be protector of it.
Your gesture of standing has really touched my heart. I would request you to kindly take your seats and we'll proceed with the proceedings of the House. Kindly resume your seats. Dr. Amar Patnaik, third supplementary. Thank you, Chairman, sir. जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।